यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। साथ ही बता दें कि सुबह 11 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत का आंकड़ा सामने आ चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अमेठी में 27% मतदान हो चुका है। केशवगंज सीट पर सुबह 11 बजे तक 27.92% वोटिंग अब तक हो चुकी है। वहीं कौशाम्बी की बात करें तो 11 बजे तक 26.12% मतदान हो चुका है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गोंडा सीट पर सुबह 11 बजे तक 26.68% वोटिंग अब तक हो चुकी है। 11 बजे तक का ये आंकड़ा सामने आ गया है। जालौन सीट पर सुबह 11 बजे तक 26.97% मतदान अब तक हो चुका है। झांसी सीट पर सुबह 11 बजे तक 29.82% वोटिंग होती हुई नजर आई है। यूपी की लोकसभा सीटों की बात कर रहे हैं। फतेहपुर सीट पर सुबह 11 बजे तक 28.54% मतदान अब तक हो चुका है। वहीं फैजाबाद में सुबह 11 बजे तक 29.05% वोटिंग हो चुकी है। बता दें कि 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। बांदा में 29.25% मतदान हो चुका है। वहीं अगर बात करें बाराबंकी की तो सुबह 11 बजे तक 30.60% वोटिंग हो चुकी है। मोहनलालगंज में सुबह 11 बजे तक 28.52% मतदान हो चुका है। सुबह 11 बजे तक का यह आंकड़ा लगातार आपको बता रहे हैं। रायबरेली में सुबह 11 बजे तक 28.10% मतदान हो चुका है। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में सुबह 11 बजे तक 22.11% वोटिंग अब तक हो चुकी है। हमीरपुर में सुबह 11 बजे तक 28.24% मतदान हो चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां लगातार यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। और इसी क्रम में ये 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत का आंकड़ा है वो आपके सामने है। बता दें कि यूपी में अब तक 27.76% मतदान हो चुका है। वहीं अमेठी सीट की बात कर ले तो 11 बजे तक 27.20% मतदान हो चुका है। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। और इसी क्रम में आपको बता दें कि सुबह 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत का आंकड़ा है वो आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार 14 लोकसभा सीटों पर आज यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच मतदान जारी है।